आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो संबंध एवं फलन है उसका जो पार्ट टू है। पार्ट वन अगर आपको देखना है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, सीधा आप वीडियो पर पहुँच जाएंगे और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध से आप समझ गए होंगे, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा संबंध देखो, जैसे मान लो कोई दो समुच्चय है, ये मान लो ए है, ये क्या है हमारा बी है। तो इसमें ए बी सी स्मॉल लेटर वाले हैं और इसमें क्या है 1 2 3, ये हैं हमारे क्या अवयव हैं, क्या हैं अवयव। ध्यान से समझो आप, यहाँ से जो है हमारा इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं यहीं से पूछे जाएंगे प्रश्नावली के, तो यहीं पर से आप समझते चलो। तो देखो जैसे हम मान लो संबंध होता है कोई हमारा यहाँ ए से बी में जो संबंध है तो इस प्रकार से होता है। कैसे होता है कि पहले ए के अवयव और बी के अवयव, मतलब ए कॉमा बी के तरह लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, पहले ए के अवयव, फिर जैसे ए के अवयव, फिर बी के अवयव, जैसे 1 ए और 1, फिर बी और 2 ये जो है, और इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ सी और 3, मतलब सी का जो है 3 से संबंध है। देखो फिर से देखो, ए का संबंध 1 से तो a,1, बी का संबंध 2 से तो b,2, फिर उसके बाद सी का संबंध 3 से तो c,3। तो इस तरह से क्या होता है हमारा संबंध होता है, लेकिन ये हमारा संबंध तो है नहीं, हमारा है प्रतिलोम संबंध, मतलब उल्टा संबंध। तो क्या है, जो संबंध हमारा है उसी को उल्टा लिख दें, मतलब कह दें कि a का संबंध, जैसे मान लो a जो है, a मान लो अमित है, और अमित जो है वो क्या है, राम, मान लो राम का पिता है। तो राम क्या है, अब हम ऐसा कह दें कि राम जो है क्या है, अब इसका उल्टा संबंध कह दें कि राम जो है वो अमित का पिता है। तो उल्टे संबंध को, इसी संबंध को क्या कहते हैं, प्रतिलोम संबंध। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमारा यहाँ पर हमने क्या बताया कि ए का संबंध 1 से, तो प्रतिलोम में हो जाएगा 1,a, ठीक। बी का संबंध 2 से तो क्या हो जाएगा हमारा 2,b, मतलब उल्टा लिखेंगे। और उसके बाद सी का संबंध 3 से तो 3,c, मतलब बी के अवयव पहले और 1 के अवयव बाद में। तो ये होता है हमारा प्रतिलोम संबंध, यही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देखो संबंध जो होता है हमारा कैसे होता है, ये होता है a,b सच देट a,b बिलोंग टू r, मतलब जो है r का, ये जो हमारा संबंध r होता है वो किस तरह से होता है, पहले a और फिर b के अवयव। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इनवर्स हो जाएगा, r इनवर्स, इनवर्स मतलब होता है उल्टा। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, पहले b के अवयव, पहले b, b का अवयव जो है हमारा, और उसके बाद a का अवयव। जैसे हमारा यहाँ पर मान लेते हैं हम ये जो हमारा है, तो पहले यहाँ पर a का, पहले हम मान लो यहाँ पर अगर जैसे हम दिए हैं तो ये हमारे b के अवयव, मान लो पहला b उसके बाद a का अवयव ये, फिर उसके बाद a और b बिलोंग्स टू r, मतलब संबंध इस प्रकार से होता है। जो a और b का संबंध होता है वो हमारा इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि पहले क्या है b के अवयव को लिखेंगे, उसके बाद a के अवयव को, ठीक। तो ये हमारा वही संबंध जो है हमारा, उसी संबंध को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो वही हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम परिभाषा लिखेंगे, माना a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं। उस वीडियो में हम ये बताना भूल गए, अरिक्त समुच्चय क्या होता है, अरिक्त मतलब जिसमें कोई ना कोई अवयव हो, अरिक्त मतलब कोई ना कोई अवयव उसमें उपस्थित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये हमारा माना a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो यहाँ पर हमने माना था a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, ये हमारा कंप्लीट। तथा समुच्चय a से b में संबंध है, समुच्चय a से b में संबंध है, ये संबंध है, ठीक। और उसके बाद r इनवर्स समुच्चय b से a में संबंध है। r इनवर्स जो हमारा है, r इनवर्स यहाँ पर जो हमारा है ये किस प्रकार से है, ये क्या है, b से a में संबंध है, ठीक। ये हमारा क्या है, b से a में संबंध है। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रतिलोम संबंध, ठीक। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जगह जगह पर फैला दीजिए, ताकि सबको समझ में आए कि आखिर ये हमारा जो संबंध और फलन जो चैप्टर होता है वो इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए और सरल भी है, बहुत सरल चैप्टर है। तो इसे समझने के लिए आप शेयर ज़रूर करिए। तो अब देखेंगे संबंधों की संख्या जो होती है, अब हम ये देखेंगे कि संबंधों की संख्या,
देखो मान लो ए जो समुच्चय, ए समुच्चय है उसमें 1 2 4 ये है हमारे अवयव। बी समुच्चय है उसमें ए बी सी हैं, ये हमारे क्या हैं अवयव हैं ए बी सी। तो बी इंटू ए करेंगे जो हमारा आएगा, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा है, जो हमारा आएगा वही क्या होगा संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो जितने इसमें अवयव हों और इसमें अवयव हैं, ए में कितने अवयव हैं, ए इंटू बी लिखे हैं इसलिए क्योंकि ए के अवयव जो हैं और बी के अवयव जो हैं, ए के अवयव 1 2 3 बी के अवयव 1 2 3 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 होगा। ये ए क्रॉस बी नहीं है, ये इंटू में है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो कि ए क्रॉस बी तो वहाँ कुछ और बताए थे। तो ये है हमारा, इस तरह से होता है कि जब ए के अवयव जितने हैं और बी के अवयव जितने हैं दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, जो हमारा आता है वही क्या होता है संबंधों की उतनी ही संख्या होती है, उतने ही संबंध बनेंगे, चाहे आप करके भी देख सकते हैं। ठीक, तो यदि ए आप लिखेंगे इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर इसे परिभाषित भी करना होता है तो परिभाषित इस तरह से करें, यदि ए व बी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय आप जान लिए हैं इसे दिमाग में बैठा लो, अरिक्त मतलब होता है जिसमें क्या कोई ना कोई अवयव उपस्थित हो, तब इनमें ए व बी में अवयव की कुल संख्या जो है क्रमशः यम व यन मान लें, मान लो यम व यन है, तब कुल क्रमित युग्मों की संख्या, क्रमित युग्म मतलब संबंधों की संख्या, वही क्रमित युग्म, तो संबंधों जो यम मान लो क्या है ये इनके अवयव और यन जो है हमारा इनके अवयव हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है क्या 9 आ जाता है। तो ये हमारा होता है क्या संबंधों की संख्या। जो अगला है हमारा वो है संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन आखिर संबंध कितने प्रकार के होते हैं, देखो यहाँ पर पहला है रिक्त संबंध। रिक्त मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर कुछ समझाने वाला है ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहे हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब क्या, जिसमें कोई भी क्या है कोई भी संबंध मैच न करता हो। देखो दो समुच्चय के लिए और एक समुच्चय के लिए ये हमें देखना है। तो फर्स्ट जो मान लो ये हमारा क्या है रिक्त संबंध है, ये एक संबंध मान लो है। ठीक, और देखो अब यहाँ पर क्या है हमारा आर, तो आर है, आर बराबर है ए कॉमा बी सच देट ए जो ए के अवयव हैं, जैसे ए जो है वो बड़े इसमें का अवयव है, जिसे हम लिखते हैं ए कॉमा बी, तो यही है। तो जो ए जो है ये इसमें का है और बी जो है ये जो है इसमें का अवयव है, बी का अवयव है, ये मान लो बी है। तथा बी इजिकल टू ए प्लस वन, अगर बी देखो बी जो है, अगर बी जो हमारा आ रहा है उसमें ए ए में एक ऐड करें तो हमारा बी का अवयव है, ऐसा है। देखें हम पहले जो मान लो निकाल रहे हैं बी का पहला अवयव निकाल रहे हैं, ठीक, बी का पहला अवयव निकालने के लिए हम क्या करें, कह रहा है ए प्लस वन, तो एक पहला है और उसके बाद दो, अगर वन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है टू, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। वन प्लस ए का अवयव हम मान लो टू ऐड करें आ रहा है थ्री, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। थ्री प्लस मान लो एक ऐड करें, लो वन ऐड करें तो कितना आ रहा है, कितना आएगा चार आएगा। तो ऐसा कोई भी बी में ऐसे कोई अवयव नहीं है कि जो 3 4 या 2 आता हो, मतलब क्या कह रहा है कि एक जो बी अवयव है उसमें ए ए में एक ऐड करो मतलब एक जोड़ो तो हमारा बी का अवयव आता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आर इजिकल टू फाई मतलब होता है, सॉरी ये फाई है, फाई मतलब होता है कि इसमें क्या है संबंध में जो है एक भी संबंध नहीं है। तो अगर कोई संबंध नहीं होता है, कोई समुच्चय भी नहीं होता है, जैसे मान लो कोई समुच्चय नहीं होता था 11th में, तो हम ऐसे लिख देते थे फाई, फाई मतलब कोई भी समुच्चय नहीं, ओ अवयव नहीं है, सॉरी अवयव नहीं होता था तो इस तरह से लिखते थे। तो इसमें भी कोई संबंध नहीं है तो फाई और उप समुच्चय ए क्रॉस बी में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक, अब ये क्या यहाँ पर दो समुच्चय एक समुच्चय के लिए क्या है आर इजकल टू फाई मतलब नहीं है उप समुच्चय ए इंटू ए, देखो उसमें ए क्रॉस बी जो हम बता रहे हैं ए क्रॉस बी मतलब इसमें रखते करते थे तो हम वहाँ बताए थे ए क्रॉस बी करते हैं। ठीक, अगर एक ही समुच्चय है जैसे मान लो हाँ यहाँ पर 1 2 इतना है, इसका कहे ए क्रॉस ए निकालो, ठीक ए क्रॉस ए निकालो कहे, तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक पहला ये अवयव लेंगे ए कामा एक, ठीक ए कामा टू, फिर ए कामा थ्री, ठीक यही होगा हमारा ए क्रॉस ए, फिर उसके बाद 2 1 फिर 2 3 ओ टू, फिर 2 3 ठीक, उसके बाद 3 1 3 2 1 2 और 3 3।
तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ए क्रॉस ए। तो इसमें ए क्रॉस ए समुच्चय है, तो ए क्रॉस ए में जो है उपसमुच्चय ऐसा जो है उपसमुच्चय नहीं, मतलब संबंध जो है फाई है। तो इस तरह से होता है हमारा ये जो है क्या है हमारा रिक्त संबंध जो होता है हमारा इस तरह से होता है। अब देखो सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब पूरा जो है मैच करता हो। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। देखो अब जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं ये हमारा क्या है एक है, अब जैसे ये हमारा समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, ठीक ये हमारा है। और उसके बाद ये जो हमारा है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच देट ए बिलोंग, पहला अवयव जो है ए का है, दूसरा अवयव जो है बी का है, यही समझाते हैं इसमें। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही तुरंत कमेंट करिए, हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे उसमें और अच्छे तरीके समझाएंगे, लेकिन आना चाहिए। और बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब अगर जो बी आ रहा है ए का अगर घात दो करें स्क्वायर करें तो क्या आ रहा है, वो कितना आ रहा है हमारा क्या है दूसरा बी का अवयव है। तो देखो मान लो पहले का घात, पहले जो है ए का अवयव का पहले का घात करें तो वन, हाँ ये आ रहा है। दूसरे का घात करें टू, टू का घात फोर, और उसके बाद थ्री के घात टू इजकल टू नाइन, तो क्या हो रहा है सार्वत्रिक मतलब सारे जो हैं मैच कर दें, मतलब इसका संबंध इससे, इसका संबंध मतलब जो संबंध दिया हो वो सारे संबंध मैच करते हों, तो उन संबंधों को क्या कहते हैं सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, ठीक। तो आर इजकल टू ए क्रॉस ए, मतलब आर जो संबंध है वो ए क्रॉस ए में पूरे अवयव मिलते हों तो उसी कहते हैं क्या सार्वत्रिक संबंध। यहाँ पर जो हम कॉम ऐसे लगा दिए हैं ये दो समुच्चय के लिए और ये एक समुच्चय के लिए, हम यहाँ पर ऊपर बताए थे, हम यहाँ पर ये बताए थे कि ये दो समुच्चय के लिए एक समुच्चय के लिए, यहाँ पर भी यही होगा दो समुच्चय के लिए एक समुच्चय के लिए, ठीक। तो इसी तरह से होता है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को क्या करना है हमें सब्सक्राइब कर देना है, लाल बटन जो आता है हमारा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आता है उसको क्लिक करिए, और बेल को जो है ऑन कर लीजिए और जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और वीडियो को शेयर हर जगह कर दीजिए।